उत्तराखंड समाचार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आइए शुरुआत करते हैं। कोरोना के मामलों में उत्तराखंड में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। केवल 395 लोग ही कल कोरोना पॉजिटिव आए और 21 लोगों की मौत हुई। अब ऐसे में कोरोना वायरस पर कंट्रोल के साथ थोड़ी सी ढील देने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने ढील देने की पेशकश की है। अब दुकानें करीब करीब 1 बजे तक खोली जा सकेंगे और हर प्रकार की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में दहेज उत्पीड़न का एक और नया मामले सामने आया है। लोहाघाट की किरण को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों पर मारने का आरोप है। हालांकि मामला अभी विवेचनाधीन है। 3 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी और अब संदिग्ध हालत में किरण की मौत हुई है। और प्रसिद्ध कैचीधाम मंदिर को किया गया अनिश्चित काल के लिए बंद। मंदिर प्रशासन का कहना है कि कोरोना के कारण संक्रमण का खतरा फैला है और जब तक कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं आ जाता तब तक इसे बंद ही रखना होगा। और केदार घाटी में दिखाई दिया अटखेलियां करते हुए अति दुर्लभ कस्तूरी मृग। वन विभाग और पर्यावरण प्रेमी हुए उत्साहित। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें राष्ट्रनीति के साथ।